माननीय महेंद्र शर्मा जी और उनके सारे साथी किसानों की हड्डी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं और इस बात का चैलेंज भी है कि पूरे जिले में अगर कोई संगठन है किसानों का तो वो है बुंदेलखंड किसान मोर्चा, जो आपकी लड़ाई लड़ता है हमेशा किसानों की। अगर हो सकता था शर्मा जी भी चाहते तो कई विधायक बन जाते, किसानों को धोखा दे के ये भी राजनीति में आ जाते, लेकिन उन्होंने जवानी से शुरू किया था, आज बड़ा दिन की ओर है। लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा खेत का किसान सफल नहीं होगा, पानी से खेत लबालब नहीं होंगे, पानी की समस्या दूर नहीं होगी, किसानों की आय दुगनी नहीं होगी, जब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। ये मेरा शरीर चोर का शरीर है, वो शरीर किसानों के लिए निछुआर है। ये आपको गर्व होना चाहिए कि जिले में अगर कोई संगठन काम करता है किसानों के लिए निस्वार्थ तो भावना से, तो वो है बुंदेलखंड किसान मोर्चा, जो आपकी सदैव लड़ाई में आगे आता है। हर किसान की कोई भी समस्या हो, हर किसान के लिए आगे आने का काम बुंदेलखंड किसान मोर्चा करता है। और हम जब तक ये चाहते हैं कि किसान को सम्मान ना मिले, हर ऑफिस में पहुंचा तो वहां अधिकारी या कर्मचारी पहले किसान को सम्मान से बैठा ले और उसको चाय पानी के पिए। आज केवल ऑफिसों में दलालों का बोलबाला है या नेताओं का बोलबाला है, किसान को कोई नहीं पूछता है कि किसान को सम्मान दे या ना दे। उसका भी बहुत बड़ा कारण है कि किसान कभी एक नहीं हो पाए हैं, किसान जाति पाति में पट गए हैं, किसान की कोई जात नहीं होती है, किसान किसान होता है। आप जहां भी जाएंगे आपको किसान कहा जाएगा, कोई जाति में नहीं कहा जाएगा। तो आ जाएंगे किसानों, आने वाले समय में किसान किसान होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। किसान हमेशा जमीन में बैठने वाला राजा होता है, न कि मंच पर बैठने वाला। आप सभी से निवेदन है कि इस संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करें और हमारी किसानों की जो समस्या है, प्रमुख समस्या इस क्षेत्र में है नहर की। अभी हमने संगठन ने आवाज उठाई थी 15 गांव में नहर आ गई है, लेकिन आज भी हमारे 35 गांव बिना नहर के हैं। पानी के बिन किसान अधूरा है। हमारे बीच में ये चौपाल में सांसद जी को बुलाने का या माननीय एडीएम साहब को बुलाने का या जिलाधिकारी महोदय को बुलाने का यही उद्देश्य है कि माननीय महोदय देखिएगा हमारे क्षेत्र में किसान कितना परेशान है। इन इन चीजों को समस्या आपको करना पड़ेगी। आज सांसद जी को इसलिए विशेष तौर पर यहाँ बुलाया गया है कि किसान कितना परेशान है, पानी से परेशान है, लाइट से परेशान है और अन्य जानवरों से परेशान है। इससे मुक्ति दिलाए, इससे हमारा किसान आगे बढ़े। और किसान की जो आप चाहते हैं, शासन चाहता है, प्रशासन चाहता है कि किसान की आय दुगनी हो, या किसान की आय तभी दुगनी हो सकती है जब किसान को खेत में पानी मिले। हमारा निवेदन है कि वो हाईवे पर पहुंचाए, वहां से सांसद जी आने वाले हैं, उनको रिसीव कर लें।